अजूने सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जो सास ग्रास्त आए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पावै जन नानक धूड़ मंगहै तिस गुर सिख की जो आप जपै अबरह नाम जपावै सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दै साह जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा विसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ बिद निकी खटानी जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी परम सन्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा सतसंग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं गरीब नवाज दसम पातशाहियां दे पावन प्रतख सरूप सतगुरु लोक परलोक दीआं बख्शिशां दे दाते सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी परम पावन पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके जून 84 दे घल्लूघारे दे महान शहीदां दी याद विच चल रहे महान गुरमत समागमां दे अंदर हाजरियां भरन दा सुभाग प्राप्त हो रहा है। अज विशेष तौर ते गुरु घर दे महान श्रद्धालु प्रेमी गुरसिख सतगुरु जी दे अनन प्यारे सत्कारयोग बजुर्ग सरदार प्रीतम सिंह जी कनेडा निवासी उन्हां दी हर साल मिठी याद जत्थी संगत वालों अते उन्हां दे परिवार वालों मनाई जाती है। आप जी ने परसों रोड तो लैके उन्हां दे वड्डे सपुत्र सत्कारयोग भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी ढिल्लों भाई साहब भाई मनधीर सिंह जी ढिल्लों कनेडा निवासी उन्हां दे परिवारां वालों अपने पिता दी मिठी याद विच सतगुरु जी दी अकाली धुरकी पवित्र गुरबाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाए सन जिन्हां दे भोगां दे समय आप सारियां संगतां ने बड़े प्रेम अते श्रद्धा नाल हाजरी भरी है। उस तो उपरंत दमदमी टकसाल दे बहुत ही सत्कारयोग रागी जथे भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी दे जथे तो गुरबाणी का बहुत ही रस पिना कीर्तन सरवण किया। फिर पटंगी गुर सबरूप सिंह जिहड़ा छोटी उम्र तो लैके बड़ी मेहनत कर रहा है उसने दास की बेनती नूं प्रवान करके एक शब्द रागां दी धुन विच बड़े प्रेम दे नाल आप जी नूं सरवण करवाया। मैं एक बेनती करदिया कई बारी आप अपने बच्चों के नाम रखन लगे ये ध्यान नहीं रखते कि गुरमत के अनुकूल हैं या कई बारी
भावना के ऐसे वहन विच असी चले जाते हाँ कि नाम ऐसा रख देता है जिसके अर्थ बड़े गहर गंभीर और डूंघे होंगे है। इस करके वैसे तो सिख गुरु का रूप ही है, पर फिर भी गुरु स्वरूप जिहड़ा नाम है वह भावें मापिया ने नाम रखिया सी, पर दास ने पटंगी नूं बेनती की है गगे अखर तों दा नाम असीं अज भाई गुरलाल सिंह रख रहे हाँ। क्यों ये गुरु दे लाल है, पुत्र है। इस करके भाई जदों भी कोई नाम रखो, महापुरख बहुत ध्यान रखते होंगे सन कि गुरु साहब दी नाम रखन लगे हाँ कई वेरी बराबरी असी कर देंदे हाँ। नामां दी बराबरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिहड़ियां बहुत उच्चियां सुच्चियां पवित्र आत्मावां होईयां वड्डे वड्डे करनी वाले गुरसिख महापुरख होए जां वड्डे वड्डे शहीद होए उन्हां दे नामां दे नाल उन्हां वर्गे नाम भी नहीं सानू रखने चाहिए। ये खास ध्यान देना चाहिए भाई। मैं बहुत कई बारी देखिया है भावना के वहन विच सुखमनी कौर, जपजी कौर, जाप कौर इदा के नाम असी रख देंगे। ऐसे नाम कदा चित नहीं रखने चाहिए। बच्चों के नाम भी हरगोबिंद, गोबिंद सिंह, नानक सिंह इन्हां नामों तो भी भाई संकोच करना चाहिए ना। उही रखो जो गुरमत के आशे के अनुकूल है। ਪਚੰਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇਖੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ आओ आपने भाई रागी गुरलाल सिंह जी पटंगी की रसना तो बहुत मिठा शब्द रागा विच गुरु की बाणी का सरवण किया है। समा बहुत संखेप है क्योंकि 10:30 बजे लंगर शुरू किया जाता है रोजाना ही। थोड़े मिनट ही आप कथा की हाजिरी भरनी है। संगत और जथे दे सिंह बड़े प्रेम नाल आ के हाजरियां भर रहे हैं। सतसंग जी जिन्हां बजुर्गों की याद विच बैठे हाँ ना आपां, ये बड़ी करनी वाली गुरसिख गुरमत नूं प्रपक्ता दे नाल कमाउण वाली आत्मा सन। गुरमत नूं प्रणाई हुई आत्मा, नाम दे रस विच गुरमुख भिज्जी आत्मा सन, नाम दे आनंद विच भिन्नड़ी हुई आत्मा सन। महाराज दे प्यारे गुरसिख सन सरदार प्रीतम सिंह जी। भगत कबीर जी ने बड़ा सुंदर जिक्र किया, कबीर जग काजल की कोठरी, अंध परे तिसमाहे, हों बलिहारी तिन कौ पैस जो नीक सजाहे। संसार नूं भाई कज्जल की कोठरी कहा है। कज्जल किनू कहिंदे आ? काले सुरमे नूं। भाव इस संसार विच लभ लोभ लालच वकारां दा ऐसा भयानक कालख जिहड़ी है संसार दे विच भरी होई होई है। संसार रूप जिहड़ी कोठी है ना, ये वकारां रूप कालख दे नाल भरी होई होई है। किसे प्राणी नूं कजले दी भरी कोठी दे विच तुसी वाड़दे हो ना, ते ओ कालख तो निर्लेप हो के रह सके तो बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है। भाव कज्जल दी कालख दी कोठड़ी विच वड़न वाले दा हथ पैर पैर तो लैके सिर तक सारा शरीर ही मूँह तक कालख नाल भर जाता। कोई विरला ही कहिंदे ऐसा चतर होएगा जिहड़ा कालख की कोठड़ी दे विच्चों साबत निकल आवे, उन्हूं कालख का दाग ना लगे। कबीर साहब कहिंदे मैं तो उस तो, कबीर साहब कह रहे हैं भी मैं उस तो बलिहार जांदा हाँ, कुरबान जांदा, मैं उन्हूं धन धन आखदा हाँ।
ਧੰਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਜਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਖਲਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਾਣਕੈ ਖਲਕ ਦੁਖਾਵੈ ਨਾ ਹੈ, ਖਲਕ ਦੁਖੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਖਾਲਕ ਕੋਪੈ ਤਾਹੇ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਤ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਥੇ ਖੜਜ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਲਕਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਖੜ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਲਕ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਲਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਪਿਸਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਦਿਓ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦਿਨ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਐਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਨਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਜਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ $1600 ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਪਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ। ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਨਾਟ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧੰਨ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ
सतयुग के समयां दीआं गल्लां ना करिया करो, हुण कलयुग है। वड्डे वड्डे अफीसर, वड्डे वड्डे अमीर तैनूं आप लिया के माया दिंदे आ, तू क्यों इनकार करना, क्यों नहीं लैंदा, इहदे विच की गुनाह लै लिया कर, तू कहड़ा मंगदा। उन्होंने इको गल कहनी, मेरे गुरु का हुक्म नहीं, मेरे गुरु का हुक्म है धर्म की दसा नौहों की किरत करनी। एक तो दसा नौहों की किरत, एक फिर नाल धर्म नूं विच शामिल करके रखना। धर्म की कहिंदा है, हक पराया नानका उस बुरस गाए, गुरपीर हमा तां भरे जा मुरदार ना खाए। पराया हक नहीं खाना, धोखा नहीं करना, ठगी यारी चोरी नहीं करनी कदे वास्ते भी, लालच नहीं करना। मेरे गुरु का हुक्म नहीं, मेरे सतगुरु की आग्ञा नहीं। जिन्हें पैसे मैनू सरकार दे रही है, वो पैसे तनखा दे मेरा हक है, क्योंकि मैं उन्ना काम करदा हर रोज़, मेरा फर्ज है। और उहदे विच्चों भी उन्होंने दसवंध देना। और बड़ी गरीबी नाल समा गुजारते रहे, मूंगी दी दाल नाल ही प्रशादा छक लेना, और गरीबी विच रह के अपना सारा दसा नौहों की किरत का कर्म करना, और बहुत बाणी पढ़नी सारा सारा दिन। गुरद्वारा दुख निवारण साहब पटियाले लम्मा समा रहे, भाई सरबजीत सिंह जी दसते हैं, गुरद्वारा दुख निवारण साहिब नौवें पातशाह जी दे स्थान ते दोनों समय जा के सतसंगत करनी, दर्शन दीदार करने, नौकरी ते भी बैठिया वाहिगुरु मंत्र का जाप करना और काम भी करना। हाथ पाऊं कर काम सब चीत निरंजन नाल, ते काम तो आके भी गुरबाणी नाल। मैं भी उन्हां दे दर्शन कीते आ, मैं हमेशा उन्हां नूं इक गल उन्हां विच वेखी, ओह गुरबाणी दा परचय रखदे सन अपने जीवन विच। जिहड़ा ग्रिस्ती साध संगत जी अपनी औलाद नूं अपने बच्चियां नूं सिक्खी नाल बड़ा ध्यान दे के जोड़ के रखदा ना, पहरेदारी करदा उत्ते, तां इह समझ लओ उहदा ग्रिस्त मार्ग धनता दे योग बन गया, उहदा ग्रिस्त मार्ग सफला हो गया, उन्हें अपनी नेक कमाई सारी सफल कर ली। उन्होंने अपने सारे बच्चों नूं अमृत छकाया, नितनिमी बनाया, बाणी पढ़ लाया, और अपने पोतरिया तक किसी भी पोतरे नूं केस नहीं कतल करन दिते। कनेडा च ही उन्होंने बच्चे पैदा होए, पोतरे अगे किसी नूं केस नहीं कतल करन दिते, किसी नूं सिक्खी दी मुख धारा तो बाहर नहीं जाण दिता, अपने कोले बिठा के गुरबाणी की संथ्या करवाउणी, और अपने छोटे छोटे पोतरियां नूं हत्थां विच गुटका फड़ा के कहना जपजी साहब सुना, जाप साहब सुना। फिर जदों थोड़े थोड़े वड्डे हो गए, उन्होंने कहना आ पोथी फड़, गुरबाणी दे अर्थ सुना, आनंद साहब दे अर्थ सुना, जपजी साहब दे अर्थ सुना, सुखमनी साहब दे अर्थ सुना, तैनूं पता लगे गुरबाणी का अर्थ भाव की है। अज दे समें विच किहड़ा ग्रिस्ती इन्नी मेहनत करदा अपनी औलाद लई, संतान लई, कोई विरला है। ऐसे गुरमुखां दीआं यादां मनाउण दा मतलब है कि उन्हां दीआं जिहड़ियां घालणां हन, उन्हां ने जिहड़े पूरने पाए आ, उन्हां नूं सुण पढ़ के असीं भी गुरमुखां वाले मार्ग ते चल सकीए। परिवार का मोह नहीं किया, माया का मोह नहीं किया, बड़ी दौलत उन्होंने अपने बच्चों नूं कमाउंदिआं वेख्या, पर अपने बच्चों नूं की कहिंदे सन, कहिंदे जिन्नी दौलत कमाई है तुहाडी नहीं, तुहाडा इहदे ते कोई हक नहीं है, तुसीं केवल इहदे विच्चों गुजारा करना, बाकी गुरु घरां दी सेवा, पंथ की सेवा करो। जून 84 का एक अल्लूकारा वापरिया, अपने बच्चे भाई सरबजीत सिंह नूं बुला के, मनधीर सिंह नूं बुला के कहिंदे जिन्ने सिंह शहीद होए है उन्हां शहीदां दे परिवारां दे विच घरां तक माया पहुँचाउणी अपनी कमाई विचों। कौन शहीद परिवारां दी सेवा, वड्डे वड्डे तनाड़ दुनिया विच बैठे, अगला कहिंदा इन्ना बिजनेस बधा लिया, होर बधा लो, होर पैसे कट्टे कर लो। बहुत शहीद परिवारां दी उन्हां ने सेवा कीती और अपने बच्चों तो करवाई। जिहड़ी माया उन्हां नूं पेंशन दी भी मिलदी, उह भी शहीद परिवारां दी सेवा दे विच ही लाउंदे रहे।
और अपने पोतरियां दियां शादियां शहीद परिवारां दे विच सत संगत जी अमर शहीद भाई जोगिंदर सिंह जी चक राजू सिंह वाले जो महापुरुख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी दे कुड़म लगते सन नातेदारी विचों उन्हां दी वड्डी सपुत्री भाई साहब भाई ईश्वर सिंह जी दे नाल उन्हां दा आनंद कारज होया बीबी अमनदीप कौर दी छोटी भैण दे नाल बाबा प्रीतम सिंह जी ने अपने पोतरे दा आनंद कारज करवाया। इस तरह बाबा गुरबचन सिंह जी मानो चाल कौम दे बड़े वड्डे योधे डिढारू सिंह सूरबीर योधे जिन्हां दा दमदमी टकसाल नाल अथाह प्यार सी बड़ी कुरबानी उन्होंने दित्ती कौम दी खातर एक अपनी पोतरी का आनंद कार्ज उन्होंने भुचंगी नाल कीता भाव शहीद परिवारां च अपने बच्चों के नाते रिश्ते की बड़ी वड्डी कालना है साध संगत जी बहुत वड्डियां सेवावां हन और अपनी नेक कमाई सेवा दे विच लाउंदे रहे अखीरला समा आउण दा गुरमुखां नूं सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी आप ही कृपा कर दिंदे अपने बच्चों नूं कहण लगे भी मैं हुण जिंदगी दा जिहड़ा पिछला पक्ष है खालसे दी धरती श्री आनंदपुर साहब बसर करना आनंदपुर साहब आ गए जिन्नी माया आउणी शहीद परिवारां च वंडणी बच्चों नूं फ्री विद्या पढ़ाउण वास्ते अकैडमी चलाई लोड़वंदां लई वस्त्र भेजने माया भेजनी लंगर दा साजो समान भेजना और श्री आनंदपुर साहब धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे चरणां विच रोज़ दर्शन करन जाना तख्त श्री केसगढ़ साहब गुरद्वारा सीसगंज साहब जी दे उत्थे भी सेवावां करनियां ऐसी गुरमुख आत्मा सन जिन्हां दी मिठी याद विच आपां बैठे उन्हां दा बड़ा जीवन है। कबीर साहब कहिंदे कबीर जग काजल की कोठरी अंध परे तिस माहे हों बलिहारी तिन को पैस जो नीक सजा है। ये विचार शुरू हुई सी अपनी भी संसार दे लोभ लालच दी जिहड़ी कालख दी कोठड़ी चों सी वह पूरे उज्जल वस्त्र लैके जीवन रूप उज्जल वस्त्र लैके भाई प्रीतम सिंह जी वर्गे गुरमुख विरले निकलदे आ जग मैं तुम काढ़ी है विरले के ही के ऐसे वह विरले सन उन्होंने अपना जीवन का पवित्र जिहड़ा शरीर रूप वस्त्र सी उन्हों बिल्कुल उज्जला रखिया कोई लोभ लालच का वकारा का दाग नहीं लगन दिता ऐसा उन्होंने गुरमुखा का जीवन से उन्हों तो कबीर साहब कहते मैं भी बलिहार जाता कुरबान जाता तुम भी जाओ भाई सारे आप भी आओ सच्चे पातशाह जी ने जो श्री मुखवाक बख्शिश किए हैं उन्होंने गुरमुखा की याद में जेडे स्वास स्वास सिमरन करन वाले सेवा करन वाले परोपकारी आत्मा सन उन्हां दी याद विच आपां सतगुरु जी ने जो श्री मुखवाक बख्शे है उन्हां दी कथा मन बिरती नूं अकागर करके सुनो जी की एका ही पहमानी अवर जतन कर रहे बहुत तेरे तिन तिल ही कीमत जानी जीव दी एको कीती हुई अरदास वाहिगुरु दे दर ते प्रवान हुंदी है होर साधना दे जतन जिन्ने मर्जी कर लवे उन्हां दी रसाई उन्हां दी पुछ नहीं वाहिगुरु दी दरगाह विच हुंदी जिन्नी जल्दी अरदास दी बेनती तू अरदास क्यों सुनी जाती है मनी जाती है अरदास दे अंदर हंकार दी अंस नहीं होंदी होमे दी अंस नहीं होंदी हंगता दी अंस नहीं होंदी अरदास बंदा कदों करदा जदों बिल्कुल निर्माण अवस्था दे विच चलिया जाता भी महाराज किसी कोई कोई मन नमाणी एक तू मेरा का एक तू है किसी का कोई आसरा किसी का कोई किसी के माँ बाप भैन भरा मित्र संबंधी धन पदार्थ राजे रजवाड़े वड़े वड़े लीडर लोग आसरा होंगे पर मेरा तो एक तू ही आसरा हो कोई मेरा आसरा नहीं इन्नी निर्माणता दे विच जदों चलिया जाए सब कुछ ही त्याग दवे अपने जीवन दे विच्चों अपने शुभ गुणा का भी हंकार ना करे लेस मात्र भी होमे ना करे भी मैं इन्नी सेवा सिमरन करदा ये समझ ले कि महाराज
नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच। दुनिया विच जिहड़ा सब तो नीच व्यक्ति है मैं तो उहदे पैरां दी खाक वर्गा भी इन्नी जदों निर्माणता आ जाती है फिर हिरदा वैराग नाल भर जाता। वैराग और निर्माणता नाल भरिया हिरदा जदों अरदास करदा ना फिर वाहिगुरु दे दर ते उहदी अरदास सुनी जाती है। तपश पैंदी है ना धरती दे उत्ते ते जीव पुकारा करदे आ वी वाहिगुरु हुण वरखा कर। जदों अरदासां करदे आ फिर त्रुट के मेरा वाहिगुरु शीतल वर्खा करता तो धरती ते ठंड बरता दिता। फिर वाहिगुरु ऐसे निर्माण हिरदे दे विचों निकली हुई अरदास सुन के प्रवान करके सारिया बख्शिशां दा मीह बरा दिंदा, रहमतां नाल बख्शिशां दे नाल नवाज दिंदा। होर लख जतन कर लै भी मैं इन्ना जप तप किया, मैं इन्ना दान पुन किया, करना सारा कुछ ही है, ये तो बिना नहीं रहना, ये तो बिना जीवन की मंजिल नहीं मिलती, ये तो बिना निर्माण अवस्था आएगी नहीं। जे जप तप नहीं करेगा, सेवा सिमरन नहीं करेगा, निर्माण अवस्था आनी नहीं, वैराग आना ही नहीं आए। करना जरूर है पर हंकार हो मैं नहीं करनी मन में, मैं इन्ना वड्डा दान कर दिता, मैं इन्ना कुछ करता, मैं आ करदा, इन्ना पाठ, इन्ना जप तप, इन्नी सेवा नहीं पाई। ये मन दे विच रत्ती मात्र भी अंश मात्र भी ऐसा ख्याल ना आए। महाराज कहिंदे जे जतन साधन करता भी तिल मात्र भी हंगता आ गई तो तिल जिन्नी भी कीमत नहीं उन्हां दी पैणी वाहिगुरु की दरगाह ते। वैराग विच निर्माणता नाल कीती हुई अरदास जिहड़ी है ना वह एक खिन विच मन्नी जांदी है, प्रवान हो जांदी है। ईसाई धर्म दे विच हजरत ईसा जी ने यह बड़ा शुद्ध संकल्प दिता, सिद्धांत दिता। कहिंदे ऐ बंदे तू अकाल पुरख वाहिगुरु दे उत्ते अडोल निश्चा रख के, दृढ़ विश्वास रख के, पूर्ण श्रद्धा नाल हिरदा भर के ये अरदास कर दे के मेरे सामने जिहड़ा पर्वत है ना ये वाहिगुरु इस नूं चुक के पासे कर दे। कहिंदे जदों तेरा अडोल श्रद्धा विश्वास दे विच भरिया हिरदा निर्माण हो के वाहिगुरु परमेश्वर अगे अरदास करके जदों सिजदा करेगा ना, मत्था टेकेगा, जदों उठ के देखेगा उहदी एड्डी रब्बी शक्ति है वाहिगुरु दी, तेरे देखदिआं सारो पर्वत तेरे सामने ओह पासे कीता होया होवेगा। इन्ना उहनां दा अरदास विच विश्वास है। उन्होंने संकल्प एक भावना अपनी उम्मत दे अंदर पैदा की भी अरदास दी एड्डी वड्डी शक्ति है। जिन्नी वड्डी अरदास विच शक्ति है साध संगत जी होर किसी साधन विच है ही नहीं, पर अरदास दी असली मर्यादा तक पहुँचण तक जिंदगियां लग जांदी, सारे सारे जीवन लग जांदे। बड़ा कठिन मार्ग है। बाबा वीर सिंह वर्गे अटक दरिया के अंदर खड़ो के अरदास करते हैं पर बाबा वीर सिंह वर्गा बनना कित सौखा है। बिरती कदे ना हो गई जन की अरदास पंक्ति पढ़ दें भी मैं तो जी सौ सौ अरदास करदा मेरी पूरी नहीं हुई। तू अजे जन बन गया अरदास करन जोगा, तैयार हो गया तेरा हिरदा। जन तो वाहिगुरु का रूप हुंदा, तू ओहो जिहा बन गया अजे तू बनिया नहीं। जिदन बन गया उदन तेरी एक भी अरदास निष्फल नहीं जाएगी, पूरी होएगी होएगी, प्रवान होएगी होएगी। जो मंगेगा जो बेनती करेगा तेरी अवश्य पूरी होएगी। इस्लाम धर्म के एक फकीर होए है सरदार परमजीत सिंह जी, सोहल साहब कनेडा वाले ने बचन सुनाया। उन्हां कोले उन्हां दा पड़पोतरा जां पोतरा आउंदा हुंदा सी पाकिस्तान विचों। उन्हां दे दादा जी सन साध संगत जी वह मसीत विच ही अठे पैर रहिंदे सन, बड़ा जप तप करदे सन, घालणा घालण वाली आत्मा सन। कहिंदे मसीत विच इक दिन शामां ढल गईआं, रात पै गई, एक नौजवान सुंदर लड़की मुसलमानां दे परिवार दी आई, दरवाजा खड़काया।
ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੀ ਸਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਈ ਫਕੀਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਘਟਾ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਾਂਗੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਕਟਾ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਸਣ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਡਰ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੋਟੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਮਨ ਤਾਂ ਮੁੜੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਟਕਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੋਟੇ ਸਾੜ ਲਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਲੋਕ ਆਏ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਫਕੀਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੜਕੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੱਥ ਸੜੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਲਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੁੰਦਰ ਫਕੀਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾੜੇ ਖੁਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ
तेरे उत्ते मैं कृपा किवें करदा। कहिंदा जिहड़ी लड़की पुरवती मेरे मन च गलत फुरना आया वह वाहिगुरु ने मैनू पत्नी रूप विच दित्ती। रब एडा दयालू है। ते कहिंदा अज जदों मैं ऐ मुसलमान ऐ हथ करके साध संगत जी दुआ करदे आ, कहिंदा उस दिन तो बाद जदों भी मैं ऐ हथ करके दुआ कीती अरदास कीती मेरे अज तक खुदा ने हथ खाली नहीं मोड़े अपनी दरगाह चों। जो मंगया मेरे हत्थां विच उहने दित्ता, मेरिया झोलियां भरिया, मैं खाली नहीं मुड़िया उहदे दर तों अज तक। जो भी मंगया, किसे लई भी मंगया, अपने लई भी मंगया, अरदास विच एड्डी वड्डी शक्ति है। पर उत्थे पहुंचण तक बड़ा जीवन की घालना साध संगत जी लग जाती है, बड़ा कठिन मार्ग है, कहना बड़ा सुखैन है। ऐवें नहीं कहा धन गुरु नानक साहब ने जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का घालना और मशक्कत, ये दो गल्लां नाल चलदियां तां नाम की कमाई सफली होंदी है। सो महाराज कहिंदे होर जतन तेरे साधन कीते होए, जतन दा अर्थ ते साधन लगेगा भी जिहड़े साधन करदा, भी मैं पुट्ठा लमक के तप करदा, धूणियां तौंदा, जल धारे करदा, हठ योग की साधना करदा, ये सारे जे किते है ना, जे तिल जिनी भी अंदर होमे आ गई इन्हां दी, तिल जिनी भी कीमत नहीं जानता वाहिगुरु, कहिंदा कुछ नहीं है तेरे पल्ले। इस करके जे निर्माणता नाल कहिंदे एडे एडे साधन करके जे होमे भी आ गई तो अरदास नहीं सुनी जानी। तो दूजे बन्ने जे किसी ने साधन नहीं भी किया ना, निर्माण ते वैराग दे विच हिरदा भर के अरदास करदा तो उहदी तुरंत वाहिगुरु दे पास मन्नी जांदी है, सुनी जांदी है, अरदास पूरी हो जांदी है। एडा वड्डा फल सतगुरु जी दसदे है। हुण सुनो कि अरदास किवें करनी है। तनासरी महला पंजवा। तनासरी राग विच धन गुरु अर्जन देव साहिब जी परम पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हन। जिसका तन मन धन सब तिसका। ए बंदे जिस वाहिगुरु ने इन्ना सोहना तन दिता, शरीर दिता, मन भी दिता, मन ना होवे काम ना चले, मन दी भी लोड़ सी अंदर, मन बुद्ध चित अहंकार ए चारे चीजां दा समुदाय मन है, और धन भी दिता तेनू वरतण वास्ते, सोई सुगड़ सुजानी। ओ श्रेष्ठ वाहिगुरु, श्रेष्ठ सारयां दी सो जानी, श्रेष्ठ सारयां दे हिरदयां दी जो जानन वाला ते सारियां घाड़तां नू घड़न वाला है, सारे दुखां नू घड़ के सुख बख्शन देण बख्श देण वाला है, संकटां नू घड़ के दुख निवृत्त कर देण वाला है। जीवन विच तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा। वो सारयां दे हिरदे दी सुडानी जानण वाला सुडानी इन्ना चतर है, भाव इन्ना सियाणा कह लो कि तेरे शरीर दी एक एक घाड़त किन्नी सुंदर उन्हें घड़ के बनाई है। ऐसा वाहिगुरु कहिंदे जदों तू उहनूं अपना तन मन धन अर्पित करके उहदे अगे अरदास करेगा ना, फिर वो तेरे दुखां नूं सुन करके, तेरे दुख सुख नूं सुन के मेरा वाहिगुरु तौ बिद नीकी खटानी, ये फिर इस तरह निर्माण होकर अरदास करेगा। इस विधि नाल मर्यादा नाल तन मन धन अर्पण करन वाली भावना रख के होमे नूं त्याग के कि मेरे दुख सुख नूं सुनन वाला मेरा दाता एक वाहिगुरु है, उस तो बिना मेरा कोई नहीं, ये विधि नीकी श्रेष्ठ ढंग नाल इस मर्यादा नाल फिर तैनू नीकी चंगी खट्टी खटानी नाम खट्टी श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ जीवन दे विच खट्टी भाव लाभ नफा प्राप्त होएगा, कदे घाटा नहीं पवेगा ना इस लोक विच ना परलोक विच। जीय की एक ही पहमानी। नीकी खट्टी चंगी खट्टी की खटनी है, चंगा नफा की लेना के वाहिगुरु नू अपना मालक समझना, दुख सुख उहदे अगे रख देना। ये जिहड़ी चंगी खट्टी खट्टी है ना, महापुरशां दा संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी दा वचन याद आ गया। उहनां दा भतीजा बाहरले मुल्क तों आया, संत बैठे और हुण तां चलो सारयां दे बच्चे विदेशां नूं तुरे जांदे है, चलो महाराज कृपा करन इत्थे भी रहण, कौम दी सेवा करन इत्थे भी लोड़ है,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁੱਬ ਹੁੱਬ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੱਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਆਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਆਹ ਫਲਾਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਖੱਟੀ ਨੀਕੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖੱਟੀ ਭਉ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਐਸੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਖੱਟ ਲਈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਅ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਬਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਮਾਂ ਦੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਲੱਦ ਗਏ ਆ ਕੇ ਰਹਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟਿੱਕਾ ਨਾ ਡੋਲਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਕਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੰਦਾ ਡੋਲੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ ਡੋਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦਾ ਮਰੀਦ ਬੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦਾ ਮਰੀਦ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਧੂਣੀ ਬਾਲੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਕਣ ਲਈ ਧੂਣੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅੱਧੀ ਸਵਾਹ ਅੱਧੀ ਕੁ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦਾੜੇ ਸਮੇਤ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਵਾਹ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਨੌਕਰ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਫਕੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹੀ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਜਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ
दुनिया का राट भा खुस गया, बंदा हार्ट अटैक नाल मर जाता, हार्ट फेल हो जाता। मैं फिर अपने आनंद विच है ते मेरे उत्ते कोई खुदा की कृपा ही है, ता ही नहीं ना मैं डोलिया। कोई उन्हें मेरे मन नूं सबर दिता होया, पूर्ण तृप्ति दिती हुई है, ता ही उहदी कृपा नाल मैं हौसले नाल तुरिया फिरदा। पूर्ण तृप्ता जी उन्हां दे अंदर पूरा राज्य पूरी तृप्ति उन्हां नूं प्राप्त हुंदी है। ओए जो बीज हम तुम कश होते, जिहड़ी हिरदे दे विच हम तुम वाली हंगता ममता वालियां गल्लां सी, हंगता हंकार करना, ममता पदार्थां दी मन विच वाशना होनी, ए जो कुछ भी अंदर सी हम तुम आदक। तिन की बात पहलानी, उन्हां दी तां गल ही महाराज परमेश्वर वाहिगुरु ने बुला दित्ती, चुका दित्ती, दूर हो गई है, ना हंगता रह गई है, ना ममता रह गई है, मेट दिते है सारे औगण। अलंकार मिल थैली होई, बड़ा सोहना प्रमाण दिंदे है, जिवें गहने अलंकार नाम गहणियां दा, गहने अलग अलग हुंदे है, पर जदों सुनहरा अग ते ढाल के उन्हां नूं कट्ठे कर दिंदा तो वह सैने सोने की डली थैली बन जाती है। ताते कनक बखानी, उन्हें की कहते हैं, सारे कहते भी सोना है, सोना सोना तो पहला सी, पर वह गहने वख वख नाम पै गए। जीव पुना परमेश्वर की बंदगी सेवा सिमरन उपासना करद्या करद्या जदों भगती दे पा विच जीव आत्मा ढल गई तो फिर शुद्ध स्वरूप वाहिगुरू केवल रह गया, शुद्ध आत्मा शुद्ध ब्रह्म। ते हुण उत्थे की है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन्नी कोई। हुण सारे उन्हूं वाहिगुरु का स्वरूप ही उन्हूं सारे विच्चों दिखाई दिंदा, सोने वांगू शुद्ध हो गया है। प्रगटो जोत सहज सुख सोभा, जिन्हां दे हिरदे विच ऐसा ज्योति स्वरूप वाहिगुरु प्रगट हो गया, उन्हां नूं सहज ज्ञान प्राप्त हो गया, सुख स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये उन्हां दी शोभा दा धौंसा दुनिया दे विच लोक परलोक दे विच गूंजदा है, नगारे जसदे वजदे है। बाजे अनहत बानी, बाजे भी हद तो रहत वज रहे, अंदर नाम दे सिमरन दे भगती दे रोम रोम विच गूंज रहे हन, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै वाली अवस्था है। कहो नानक निचल घर बाते, गुरु अर्जन देव साहब जी कहंदे आ चल घर बज गया उन्हां दा, वाहिगुरु दे चरणां विच थां मिल गया, स्वरूप रूप घर की प्राप्ति हो गई। धन गुरु अर्जन देव जी कहंदे बन्या किवें, गुरु साहब की कृपा नाल, गुरु साहब की मेहर नाल, गुरु सारे बंधना नूं ते औगणा नूं कट दिंदे है, औगणा तो हथ दे के बचा लेंदे है, विघना का नाश कर दिंदे है। ये गुरु साहब ने चल घर वाहिगुरू की प्राप्ति का बन के दे दिता, लै भी सिखा इस घर विच बैठ के आनंद माण सारा जीवन, भजन विच सुरत नूं जोड़ के नाम दा रस माण, यही गुरसिखी दा घर बन के दिता, तैनू बना के दिता। सत संतोख दीआं दीवारां बणाईआं, अडोल निश्चे दे अंदर थंभ लाए है, शांति दी छत पाई है, और साध संगत जी अंतःकरण रूप संघासन बना दिता है, भगती दी सेज विछा दिती, उत्ते फिर गुरमुख आत्मा बैठ के वाहिगुरु के चरणों में लीन हो के आनंद माणती है। ये सतगुरु जी ने परम पवित्र उपदेश बख्शिश किए हैं, कथा विचार करदिया हुई भुला चुका गुरु महाराज गुरु की संगत ने खिमा करनिया, जिनी भी संगत आई सारी संगत का भाई रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद है। जथेदार भाई बोड़ सिंह जी संगत विच बैठे है, सत्कारयोग बाबा अजीत सिंह जी, ज्ञानी गुरसेवक सिंह जी, बाबा सुरजीत सिंह जी जो मालवे अगुराही की सेवा करते हैं, सारे जुम्मेवार सिंघां दा बहुत बहुत धन्यवाद, सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हां बजुर्गों की मिठी याद विच उन्हां दे परिवार वल्लों लंगर की सेवा की गई है, लंगर तैयार है, देसी घ्यो दे लड्डू बने हैं, पदार्थ बने हैं, सारी संगत ने हुण देग लै के लंगर छक के फिर घरां नूं जाना। मैं बाबा प्रीतम सिंह जी दे सारे परिवारां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा।
इतनी हाजरी प्रवान करनी भुला चुका खिमा करनी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा वाजे अनहत बानी कौ नानक निश्चल घर वाद्यो गुर की ओ बंधानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।